The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year, question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. स्टार्च आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो आयोडीन है आप यूज कर सकते हो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का प्रेजेंस और अल्फा अमाइलेज का प्रेजेंस आप देख सकते हो. जो मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड्स होते हैं ये शुगर या ग्लूकोज होते हैं, या मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है, ग्लूकोज का ही अदर फॉर्म होता है. तो दे डू नॉट रिएक्ट विद आयोडीन टू डेवलप कलर. ये जो मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स हैं ये इंटरैक्ट नहीं करते आयोडीन से और ये कोई कलर डेवलप नहीं करते. दीज फैक्ट्स आर यूटिलाइज्ड इन दिस ट्रिक टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा. सलाइवा कंटेन्स एमाइलेज, हमने अभी पढ़ा, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स. द टेस्ट कैन बी कैरिड आउट इन अ स्टार्च कंटेनिंग एगरोज जेल विद द सैंपल वेल. तो सैंपल वेल में एगरोज जेल कंटेन्ड, स्टार्च कंटेन करने वाला जो सैंपल है आप उसे लेंगे. द क्वेश्चन सैंपल इज लोडेड इन टू द सैंपल वेल. सैंपल वेल ने वेल में आपने लोड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एगरोज जेल, यहाँ पे सैंपल वेल है. सैंपल वेल ने वेल में आपने सैंपल डाला. तो जेल इज इंक्यूबेटेड एंड स्टेन्ड विद द आयोडीन सॉल्यूशन. तो जो जेल है वो इंक्यूबेट किया गया है, मीन्स उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे इंक्यूबेट, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया गया है और आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है. द स्टार्च कंटेनिंग जेल इज स्टेन्ड ब्लू. तो जो स्टार्च कंटेनिंग जेल है वो ब्लू कलर का आपको विजुअलाइज होगा. इफ द अमाइलेज इज प्रेजेंट इन द सैंपल ड्यू टू सलाइवा. सलाइवा अगर प्रेजेंट है तभी ही अमाइलेज प्रेजेंट है. अगर अमाइलेज प्रेजेंट है सो इट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द सैंपल वेल. तो ये सैंपल वेल से डिफ्यूज होगा एंड क्लीव्स स्टार्च इन द जेल एज इट डिफ्यूजेस. और जो स्टार्च प्रेजेंट है जेल में उसे डिफ्यूज कर देगा या उसे ब्रेक कर देगा इन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स. अ क्लियर एरिया अराउंड द सैम्पल इंडिकेट द अमाइलेज एक्टिविटी. तो जो क्लियर एरिया है, जैसे कि मैंने बोला कि मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स रिएक्ट नहीं करते, तो ये जब क्लीव करेगा आपके स्टार्च को तो जो क्लियर एरिया अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्लियर क्यों हुआ है. स्टार्च नहीं कहना चाहिए, अमाइलेज एक्टिविटी की वजह से. तो इट मीन्स अमाइलेज प्रेजेंट है, अमाइलेज प्रेजेंट है, इट मीन्स आपका जो सैंपल है उसमें सलाइवा, वो सलाइवा सैंपल ही है. क्लियर. नेक्स्ट टेस्ट आएगा फैबेडेज टेस्ट. ये जो टेस्ट है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च. अगेन सेम, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या फिर ब्रेक करता है इन सिंपलर फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. तो ये जो रिएजेंट है इट कंसिस्ट डाई क्रॉस्ड इंक क्रॉस्ड लिंक्ड विद द स्टार्च. तो डाई
डाई जो आप यूज कर रहे हैं जिससे आप विजुअलाइज कर सके, वो क्रॉस्ड लिंक होता है आपके स्टार्च के साथ. द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च, जो स्टार्च प्रेजेंट है वो जो स्टार्च प्रेजेंट है उसे सलाइवा में प्रेजेंट अमाइलेज डाइजेस्ट कर देगा एंड रिलीजेस द डाई फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स. और इससे क्या होगा, जब स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा तो स्टार्च में डाई लिंक है तो स्टार्च जैसे ही डाइजेस्ट होगा जो डाई है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. द सोल्यूशन थस बिकम्स ब्लू इन कलर. और उससे क्या होगा, जो आपका कलर है, जो डाई कलर, जो डाई है वो आपको विजिबल हो जाएगा. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा. और ये एक पॉजिटिव रिएक्शन होगी सलाइवा के प्रेजेंस पे. द टेस्ट कैन बी यूज एज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ डेवलप्ड कलर. तो कलर कलर के डेवलपमेंट पे आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाइलेज और सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है एट 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे. 620 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे आप इंटेंसिटी चेक करके क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे कन्फर्मेटरी. कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन की नेक्स्ट बात करेंगे कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन की. तो इसमें जो कमर्शियली अवेलेबल किट्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं RISD सलाइवा किट, तो इस किट में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. ये आपके पास सैंपल वेल होता है, आपने सैंपल डाला, अगर सलाइवा प्रेजेंट है तो टेस्ट जोन और कंट्रोल जोन में आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा. द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा कैन बी असेटेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पिंक लाइन इन द RISD सलाइवा किट. द टेक्निक कैन डिटेक्ट सलाइवा एज लो एज 1 μL. तो इतना कम भी अमाउंट अगर सलाइवा का प्रेजेंट है तो ये किट आपका डिटेक्ट कर देगा. और ये डिटेक्ट करके देगा जब आपको, तो पिंक लाइन्स आपको दिखेंगी. ठीक है. नेक्स्ट है आरएनए बेस्ड टेस्ट. तो आरएनए बेस्ड टेस्ट में क्या है, जो माउथ सेल्स है वो कुछ स्पेसिफिक कोडिंग जीन्स कंटेन करती है. और वो जीन कौन कौन से हैं, ये दो जीन हैं, HTN3 और STATH. तो ये दो जीन हैं, क्या हैं, ये जीन हैं जो प्रोटीन कोड करती है. जीन क्या करती है, जो प्रोटीन, ये जीन्स प्रोटीन की कोडिंग करती है. तो प्रोटीन की कोडिंग करने वाले जीन्स आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे एलिजा का भी यूज़ कर सकते हैं और जो कलर चेंजेस होगा उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. तो एलिजा का भी आपको मेथड पता है कि कैसे हम टेस्ट करते हैं. एलिजा में हमने सीमन में पढ़ा है, सेम मैकेनिज्म एलिजा में भी लगेगी बट सलाइवा एग्जामिनेशन के लिए लगेगी. अब हम बात कर रहे थे आरएनए बेस्ड किट जो आते हैं, इसमें आपको दो जीन प्रेजेंट मिलेंगे, HTN3 एंड STATH. तो ये HTN3 जीन है वो एनकोड करता है हिस्टैन 3 प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओरल कैविटी में. आप दिन भर इतना कुछ खाते हो, पूरे टाइम मुंह आपका खुला ही हुआ रहता है, तो कोई भी आपका जो हम मास्क क्यों लगा रहे हैं अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, जो कोविड-19 वायरस फैलता है, तो ये क्यों कहा जाता है आप लोगों से दूर रहो, मास्क लगाओ, अपने नोज एंड माउथ को ढक के रखो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी पाथ होता है किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के लिए एसेस करने के लिए उस बॉडी को. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और ये प्रोटीन, और ये कौन इनकोड करता है, HTN3 जीन इनकोड करती है. इसके अलावा जो नेक्स्ट जीन है वो इनकोड करती है स्टैटरीन को, विच प्रिवेंट्स एंड प्रेसिपिटेट द कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट इन सलाइवा ग्लैंड. तो इन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हैं आरएनए बेस्ड किट के थ्रू. तो ये जो नेक्स्ट आपकी जीन है वो स्टेटरिन को इनकोड करती है, जो कि आपके प्रिसिपिटेट को प्रिवेंट करता है, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स को प्रिसिपिटेट होने के लिए प्रिवेंट करता है. तो ये हो गए आपके आरएनए बेस्ड किट्स. तो आरएनए बेस्ड किट से आप कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं. इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसेज, तो जो कि एक RISID सलाइवा किट आता है. इसके अलावा एलिजा आप यूज़ कर सकते हैं.